दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे, और आज मैं जाने वाली थी मुरुगन स्वामी के मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एवरी ट्यूसडे को जाती हूँ। मैंने जब पहली बार मैं जब मुरुगन स्वामी के मंदिर गई थी, तो तभी मैंने तय किया था कि मैं 5 बार वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। तो आज भी जाना था हमें। 3 बार से हम लोग, मतलब 2 बार से, पिछले 2 बार से हम लोग दोपहर में जाते थे, तो आज भी दोपहर में ही जाने का प्लान था, क्योंकि दोपहर के वक्त उतनी भीड़ नहीं रहती है। और पता नहीं क्यों, एक एवरी ट्यूसडे को ही सुशील जी को पता नहीं क्या क्या कंपनी में काम आ जाता है, और आज भी उनको कहीं जाना है, कंपनी काम से कहीं बाहर जाना है। तो देखिए, अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं, पता नहीं कब निकलने वाले हैं। वो 1 बजे आएंगे, एक तो अभी बज ही रहा है, 2 बजेंगे या 3 बजेंगे, कोई कुछ भी पता नहीं है मुझे। और आज शाम को पिंकी दीदी के घर भी जाना है, क्योंकि उनके छोटे बेटे आयुष्मान का आज बर्थडे है, तो हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं। मतलब आज के ब्लॉग में यही सब रहने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और देखते हैं कब मैं मंदिर जाती हूँ और शाम को कितने बजे तक घर वापस आती हूँ मैं। और अभी मैं जा रही हूँ अभिमान को थोड़ा सा पढ़ाने, क्योंकि जब अभी मंदिर हमें जाना ही नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ अपने बच्चे को। क्यों बेटा, इसको नींद आ रही है, पढ़ने के नाम से ही इसको नींद आने लगी। गाइस, 4 बज गए हैं और अभी तक सुशील जी नहीं आए हैं। पता नहीं कौन सा काम आ गया आज। आज आखिरी मतलब पूरा करना था 5वां फेरा मुझे, और पता नहीं कब जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद देर भी हो जाती है लाइन में, इसी चलते हम लोग दोपहर में जाना स्टार्ट किए थे, पर नहीं जा पाया शाम को। अब इतनी देर तो कभी नहीं हुई थी, आज पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। पिंकी दीदी के घर में जाना है और समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अभी फ़ोन भी किया था तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। आरुष भी आ गया है, खाना खा रहा है वो, और शुभ भी देखिए सोया हुआ है, अभी 3:30 बजे वो सोए। थोड़े से कपड़े हैं गाइस, अभी उतार के ला रही हूँ। अब अभी तक गई नहीं, तो सोच रही हूँ कि इन्हें फोल्ड कर लूँ। बड़ा बोरिंग लगता है जब किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़े तो। मतलब 3 बजे वो बोले थे कि ठीक है, बहुत देर होगी, मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। 4 बज रहे हैं, लगता है कि आ गए। बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जैसे सुशील जी आए, मैंने फटाफट से उठे, खाना निकाल के दिया। जी हाँ गाइस, वो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, दोपहर का खाना वो 4 बजे खाए, और खा के फटाफट से हम लोग निकल गए। यहाँ पे हम लोग आए और सुशील जी को पेट्रोल डलवानी थी अपनी बाइक में, तो पेट्रोल डलवाया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ। लगभग 4:30 के बाद हम लोग घर से निकले थे। अब देखिए कब तक हम लोग मंदिर पहुंचते हैं, और हमें कितनी भीड़ मिलती है वहाँ पे, कोई आइडिया नहीं है गाइस। मंदिर पहुंचने के बाद पहले हम लोगों ने दिए लिए और फूल की माला ली, जैसे हमेशा लेते हैं। उसके बाद हम लोग दिए जलाते हैं, पहले तो दिया जलाया जाता है, उसके बाद अंदर एंट्री की जाती है मंदिर की तरफ। तो पता नहीं क्यों बाहर गाड़ियों की इतनी लाइन थी, कार बाइक्स वगैरह, ये सब देख के सुशील जी को लगा कि अंदर बहुत भीड़ होगी। उन्होंने कहा भी कि यार बहुत भीड़ है, लग रहा है कि मन में पहले ही ऐसी भावना थी कि यार भीड़ ही मिलेगी आज, पर ऐसा सच में कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे ही हम लोग अंदर गए दिया जलाने के बाद, जहाँ लाइन की तरफ इधर घुसे, तो पूरी लाइन खाली थी। हर बार हम लोग 50 रुपये का लाइन में जाते हैं, इस बार हम लोग फ्री वाले लाइन से ही निकलते चले गए थे। तब सीधे मंदिर की तरफ भगवान जी वाले सेक्शन में चले गए थे, जहाँ भगवान जी को दर्शन किए जाते हैं, वहाँ चले गए थे। और सच में इतनी खुशी हुई कि मतलब 6:30 बजे तक हम लोग घर वापस भी आ गए थे। और यहाँ पे मैं दीदी से भी मुलाकात हुई, मेरी नीतू दीदी जो हैं, वो भी हर बार नहीं 5 मंगलवार वो भी आई थी, लेकिन कभी हम लोग साथ में नहीं आ पाए थे। देखिए यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं जिया जी, और यहाँ इत्तफाक से आज पहली बार मुलाकात हुई थी अंतिम दिन, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइम नहीं रहता था, टाइम की वजह से हम लोग अलग अलग आया जाया करते थे। तो 6:30 बजे तक हम लोग घर वापस आ गए थे, और जैसे घर से मंदिर से निकलते सीधे हम
दीदी के घर ही आए थे, 6:30 बजे तक हम लोग दीदी के घर आ गए थे। और देखिए यहाँ पे पुचू खेल रहा है और ये छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है। कोई ज़्यादा मेहमान तो नहीं आते हैं हमारे पार्टियों में, लेकिन हाँ हम लोग इतनी बड़ी फैमिली होने का ये फ़ायदा है गाइस, बहुत मज़ा आता है आपस में ही। मतलब बच्चे और हम सारे जब इकट्ठे होते हैं ना तो किसी दूसरे की ज़रूरत होती भी नहीं है, हम लोग आपस में ही अच्छे से धूम मचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, मज़ा आता है। जगनी था सीट खड़ो कराया एक वेला मल के कोर में बस देखी आ रही थी मंदिर से तब के काटे ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं केक काटूंगा, मैं केक काटूंगा। मतलब जिसका बर्थडे है वो अभी आया ही नहीं है, बाकी सब केक काटने के लिए तैयार खड़े हैं। और शुभी तो मतलब पूछे ही मत, तो पहले ही खाने के लिए बैठ गया, मैं जल्दी से केक काट के खाऊंगा। हाँ ये पूछू काटे इसका फिर से जूस पिए हो क्या? के लिए नहीं है भाई, अब नहीं पीना जूस। ठीक बा खोली ना, कब से धोले बन तनी खोली, हम मुंह खोद दे मगर हेतरी हेतरी देखा के खोल तो नी केक। हम्म, ज्यादा ना बोले के। अरे छुरे से काटी ना, बकलोले बड़ा लो सब जने। सुंदर केक बा, पंखा बंद करे बंद तो हो गया, रुकना तुम भी चले जाओ आरुष वहाँ पे। आयुष्मान थोड़ा इधर देखो मेरी तरफ, हटी दिए जी 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 हट लेगा, कट टूक ले रे वो पहले। हाँ तो क्या पहले खेले दो उसके बाद वो काटेगा। ये भगवान का खेलन तो गिना है इतना। अरे मुंह पे नहीं ऊपर मारो, खाली वही दूसरा ही कारण हो और ही गलत है। बर्थडे बॉय कहाँ गया भाई? आयुष्मान केक पहले खिला दे, हाथ धो ले पहले, हाथ धो ले। एक फोटो तो कोई लो, ये भगवान ये आँख पर से हटाओ, आँख पर से
छोड़ छोड़ दो बाद में माने उस बाद में कर लियो लो लग गया अरे इताप ये भगवान इताप ये नहीं मत हम फोटो हम नहीं खिले तो उन्हें लिया था शुभी उसको खिलाए आयुष्मान को खिलाए हो खिलाया है तुम लोग भी खिलाओ खिला दीजिए तो फोटो आया है फोटो आया है नहीं नहीं वो सब है हो गया भाई खड़ा यहाँ पे खड़े अरे तो तुमसे उठेगी इधर आओ इधर यहाँ पे प्लेट रेडी हो रही है गिफ्ट ओपन भी कर रहे हैं क्या है ये आइन करा के पहले बैठे दो अच्छा वो राज भी लाया था वैसा ही क्या क्या केक खाएगा वाह क्या मस्त गिफ्ट है ये किसने दिया है ये सागर ने गजब कहाँ से तुम लोग मिल गए मैं गई थी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था एकदम मापोसी वो अंदर है तो लक्ष्मी मैं फैंसी स्टोर में जानती हूँ लक्ष्मी फैंसी स्टोर नहीं वो मतलब और अंदर है मापोसी नगर है ना उसके एकदम अंदर है अच्छा बहुत सुंदर है चलो दिखा के लाता हूँ हाँ दिखाओ पानी डालो दीदी का नाम नीतू दीदी का हमरा लगे तनी केक में ना मिल रहा कि तनी गल के लगाई हूँ इका नाम मनीष के भयंकर बार लेकिन झड़क है बेचारा केक ओपन कर सब नौपत्र रहे अब ना लौकत रहे पहले ऐसे ना लौकत रहे देखिए ऐसी ही हमारी पार्टी होती है बहुत ही प्यारी मज़ा आता है लेकिन है ना बड़ा फैमिली होने का फ़ायदा अभी सिर्फ चार बहनों की फैमिली है सब जब एक साथ किसी शादी ब्याह में या फंक्शन में इकट्ठा होते हैं तो और भी मज़ा आता है यहाँ पे सारे बच्चे अंदर एसी रूम में बैठे हुए थे खा रहे थे पी रहे थे अपना पहले नाश्ता किया फिर खाना भी खा रहे थे और हम बड़े लोग यहाँ बाहर बैठे थे कोल्ड ड्रिंक दीदी ने दोबारा से सबको दिया था और यहाँ पर सब मस्ती मजाक बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन अभी आगे और भी धमाल होने वाला है तो देखिएगा नीतू दीदी के दोनों बेटे अब बड़े हो गए हैं अपने अपने जॉब में लगे हुए हैं इसलिए उनकी कमी महसूस होती है वरना वो अगर होते हैं पार्टियों में ना तो हंसी का ठिकाना नहीं रहता ऐसे ऐसे जोक्स और ऐसी बातें बोलते ना कि आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है दीदी पहले खाने बैठी है दीदी को दवाई खाना है ना इसलिए तो अब ये वाला किससे दाल है इनको देखिए भूख लग गई है छूछ ही मार रहा है मैडम एडिट कर दीजिए गाइस तो आज हम लोग आयुष्मान भैया के बर्थडे पार्टी पे आए हैं पार्टी में 10 मिनट बचा ही आया खाना खा लिया अब
अभी तो नहीं खाया, चलो मिलेगा मिलेगा। क्या खाया है अभी सब भैया का दोस्त? क्या खाए हो अभी तक बता दो। अरे तक वो लोग के भी भैया का दोस्त लोग आए, वो लोग खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं। अभी भैया का दोस्त लोग आए हैं, वो लोग खा रहे हैं। खा लेंगे उसके बाद हम लोग खा लेंगे। तो ये पहले क्यों खा रही है? हम सब्जी टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट किया वो सब पता है कि टेस्टी बना है। तैयारी अभी कर रहे करवा चौथ में, सब पूजा पाठ सब हो गए, चांद ना निकल रहा है तो कौन जा की भाई चांद निकले तभी सब लोग खाई। हमने के बाहर इंतजार कर देंगे करवा चौथ के, सब ई बैठ के आराम से मतलब जितना पूरी कढ़ी चावल फुलौड़ा फुलौड़ी सब खा गई, सब खुन्दन के साथ पड़े सब मार ले, पूरी सब्जी चावल कढ़ी पकौड़ा सब। गाइस ये है हमारी घर की फैमिली पार्टी, कोई अदर मेहमान लोग नहीं आए थे, लेकिन हमारी अपनी पार्टी बड़ी मजेदार होती है। और अभी देखिए मैं दिखा रही हूँ क्या हो रहा है।